देखो यहाँ कितनी गंदगी है। डैनियल अभी के अभी कमरे की सफाई करो। काश छोटे भाई से सफाई करवाना, वीडियो गेम्स खेलने जितना आसान होता। ये अच्छा आइडिया है। जॉयस्टिक को भाई से जोड़े, सेटिंग्स में जाएं और क्लीनिंग मोड को सेलेक्ट करें। और अब चलो यहाँ की सफाई करें। खैर अगर आप बच्चे से तुरंत सफाई नहीं करवा सकते तो आपको कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा। उम्मीद है कि हम पेरेंट्स के आने से पहले घर साफ कर दें। हाँ मुझे साफ सफाई वाली गेम बहुत पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? क्या जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें भी वही दिख रहा है? मेरा बच्चा। ओह मुझे लगता है जेन ने कमाल का लाइफ हैक सोचा है। ये लो, क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? देख लो जैसा हमने सोचा था ये उससे भी बेहतर काम कर रहा है। तुम सही कह रहे हो हनी। ठीक है बस बहुत हो गया। ओप्स सेटिंग्स खराब हो गई। मैं और सफाई नहीं करूँगा। तो जब तक आप आराम कर रहे हो हमें सफाई करनी पड़ेगी। ये सही नहीं है, आप भी बराबर की सफाई करोगे। बेटे ने अपने बर्तन साफ नहीं किए। डैनियल तुम बर्तनों को गंदा नहीं छोड़ सकते। अभी भी कुछ नहीं बोल रहा, अपना स्मार्टफोन दो मुझे। अब चलो ये टिकटॉक देखें। देखो ये ब्लॉगर कितने बढ़िया तरीके से अपने बर्तन साफ कर रहा है। क्या तुम भी ये कर सकते हो? आसान है। फिर आगे बढ़ो या मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। प्लेट पकड़ो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम और भी बेहतर कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो? तो फिर शुरू करो, जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बुला लेना। भाई तुम क्या कर रहे हो? ये बोरिंग है। देखो इस टिकटॉक का दूसरा पार्ट भी है। हम ये करने वाले हैं। प्लेट्स लो, इन्हें पकड़ो। उफ, वीडियो में ये आसान लग रहा था। जेनी रुक जाओ, बस अब तो हम गए। खैर 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 ये किसने किया? ये इसने किया है। ये इसका आइडिया था। और जब ये इतने मासूम लग रहे हैं तो आप इन्हें डांट कैसे सकते हैं? पर ऐसा दोबारा मत करना। हम नहीं करेंगे मम्मी। और अगर पास में इतना शोर हो रहा हो तो आप चैन की सांस कैसे ले सकते हैं? बेटा कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ। आह शांति। ओह ये क्या हो रहा है? ये भयानक आवाज नीचे वाले पड़ोसियों के घर से आ रही है। हाँ वहीं से है। अब तक की सबसे बढ़िया पार्टी दोस्तों, म्यूजिक की आवाज बढ़ाओ। खैर नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। वो फोन नहीं उठा रहे। अब सुनो बेटा, तुम पूरी रात नाच सकते हो, जितने ज्यादा जोर से उतना बेहतर। और चलो उन्हें असली डांस दिखाएं। पार्टी पार्टी सब नाचो। ओ नाचना बंद करूं? बिल्कुल नहीं, पर हमारी छत गिरने वाली है। आपको थकी हुई मॉब से उलझना नहीं चाहिए था। ये लोग जॉनसन फैमिली के आगे बिल्कुल टिक नहीं सकते। इतना सारा कचरा है, तुमने यह क्या कर दिया? चलो भी जल्दी से सारी सफाई करो। सोफी हमें परेशान मत करो, हम खेल रहे हैं। गेम खत्म। जब तक तुम कमरा साफ नहीं करोगे यहाँ कोई रेसिंग नहीं होगी। पर चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ दिलचस्प है। झाड़ू? और हमें इनके साथ क्या करना होगा? हम क्लीनिंग रेस करेंगे। तैयार हो? चलो, लड़के ऐसी सफाई करने से कभी मना नहीं करेंगे। फिर से? पर मैंने अभी नया रोल खरीदा था। अजीब बात है, मुझे कुछ करना होगा। मैं जाल बिछाऊंगा। यहाँ कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। और ये रहा वो नन्ना अपराधी जो लगातार पेपर गायब करता रहता है। डैनियल तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये टॉयलेट पेपर के यूज की थ्योरी है। जितने तुम्हें जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना अच्छा है, थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात है, क्या तुम समझ गए? हाँ पापा। बहुत अच्छी बात है। हाँ आप इस लड़के को बदल नहीं सकते। माफ करना पापा, पर मुझे इतने की ही जरूरत है। इस पेपर के लिए अलग प्लान्स हैं। जेन मैं पॉपेट का इस्तेमाल करके तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम बनाने सिखाने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए M&M's लें और बहुत ध्यान से हर एक डिंपल में एक कैंडी रखें। ऐसे मुझे ज्वाइन करो। हालांकि ये बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए। कुकिंग बहुत दिलचस्प और मजेदार होती है और रिजल्ट बहुत स्वादिष्ट है। जब सभी डिंपल्स में कैंडीज भर जाए तो थोड़ी सी पिघली हुई चॉकलेट लें और उससे मोल्ड को भरें। ध्यान रहे कि चॉकलेट बहुत ज्यादा ना हो।
ताकि कोनों से बाहर ना निकले, अब हम अपना पॉपेट फ्रीजर में रख देते हैं और हमारी चॉकलेट के सख्त होने तक का इंतजार करते हैं। वैसे 5 मिनट काफी होंगे, अब इसे चेक करने का समय है। ये तैयार है। वाह, क्या मैं इसे खाकर देख सकती हूँ? जरूर। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर चलो ये चॉकलेट ले और मूवी देखने चले। हम भी ये बना सकते हैं। चलो शुरू करे बेटा। पापा और बेटे को भी ऐसे डिजर्ट खाने से कोई हर्ज नहीं है, पर लगता है पापा जेम्स ने रेसिपी खराब कर दी। यह चॉकलेट बार का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम भी ये कर सकते हैं। हे भगवान, खुद को देखो, तुम्हारे पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगी हुई है। तुम्हें इसे जमाना चाहिए था। ये बोरिंग है, मेरे पास कुछ बढ़िया है। जिंदगी की पहली डेट बहुत दिलचस्प है, और जाहिर है कि जीन हर चीज एकदम बढ़िया चाहती है। ये क्या मुसीबत है, मैं ऐसे मेकअप के साथ डेट पर कैसे जा सकती हूँ? सब खत्म हो गया। हनी, क्या हुआ? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं अजीब रकून की तरह लग रही हूँ। मैं अपना मेकअप बैग लेकर आती हूँ। शांत हो जाओ हनी, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं देखता हूँ। ओह, समझ गया। सीधे एरोस बनाने की कोशिश क्यों करनी जब आप उन्हें सीधा चिपका सकते हो? पापा, मुझे इस लाइफ हैक पर यकीन नहीं है। मुझ पर भरोसा करो। वोइला, मेकअप हो गया। ये बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया पापा। चलो शुरू करें। शुक्रिया माँ, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, पापा ने सब कर दिया। क्या बात है, पता चलता है कि पापा जेम्स को बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। ओह, जरूर चैड आया होगा। मैं जा रही हूँ। हो गया, मैं तैयार हूँ। हाय चैड। हाय जेन, कितना अच्छा इत्तेफाक है। चैड जेन के पापा की तरह उसी ट्रेडमार्क का फैन है। ये किस्मत है, उनकी जोड़ी बहुत बढ़िया है। होमवर्क काफी बोरिंग हो सकता है। ओह मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए और भी दिलचस्प टेक्स्ट बुक्स लाई हूँ, और अब आखिर तक सभी लेसन याद करना मुमकिन होगा। मॉम, डैड, क्या हुआ बच्चे? क्या तुम कहीं गिर गए थे? क्या तुम्हें चोट लग गई है? मुझे देखने दो। क्या दर्द हो रहा है? यही रुकना। हिम्मत रखो बच्चे, लो खेल लो, शांत हो जाओ और सब ठीक हो जाएगा। हमें इस चोट को डिसइंफेक्ट करना होगा। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है क्या करना है, हम तुम्हारी चोट पर बैंडेज लगा देते हैं। आई आई आई। ये भी काम नहीं करेगा, अगर हम एक अनोखे बैंडेज लगाएं तो इससे डैनी का ध्यान दर्द से हट जाएगा। अब ठीक है। आउच, आउच, आउच। खैर, जरूरी बात यह है कि ये काम कर गया और बच्चे को ये पसंद आया। ध्यान से बेटा। हमारा छोटा स्टंटमैन। जीन, मेरे पॉपेट में छेद हो गए। हाँ, तुम इसे बहुत खेल चुके हो। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, हम सोप बबल्स के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। चलो भी ट्राई करके देखो। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। ओह, ये बहुत प्यारे हैं। ये लो आटा। ओह, अब ये यहाँ सब खराब कर देंगे। मुझे मेरा पॉपेट दो। ये लो, वापस करो। ठीक है बच्चों, बस करो, मैं ये ले रही हूँ। मेरे किचन में कोई गेम नहीं खेलेगा, हालांकि शायद बस ये वाली। ये लो, ये ट्राई करो, ये तुम्हारे खिलौने की तरह बढ़िया है ना? ये डो मेरा पर्सनल स्ट्रेस रिलीफ टॉय है। ये लाइफ हैक 3 गुना बढ़िया है। बच्चे बोर नहीं होते, किचन का नुकसान नहीं पहुँचता, और मॉम भी खुश है। ये कुकीज का पहला बैच है, पर ध्यान से, ये अभी भी गर्म है। इसे कहते हैं परिवार के साथ खुशी बांटना। कुकीज बहुत स्वादिष्ट है, खाओ मेरे बच्चों। क्या आपका बच्चा बेरीज और फ्रूट खाने से मना करता है? तो फिर इनसे डिजर्ट बना दीजिए। डैनी, सेब सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओह, तुम्हारा नाश्ता आ गया। मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर कम से कम थोड़ी ब्रोकली तो खा लो। बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मल खाना नहीं खाना चाहता। जेम्स, अब हम क्या करें? और तुम सेब खाने से भी मना कर रहे हो? मैं अभी आया। बस एक छोटी सी बाइट, देखो मैं क्या लाया हूँ। वाह, इस तरीके से हेल्दी खाना खाने में ज्यादा मजा आता है ना? और ये एक और छोटा सा एडिशन है। ये लो, मजे करो बेटा। सॉल्यूशन मिल गया। सिंपल डिंपल प्लेट का इस्तेमाल करें और आप जो चाहते हो आपका बच्चा वो खाएगा। आपको कितने एंटी स्ट्रेस टॉयज दिखे? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब लिखें।
आप पेरेंट्स के लिए कौन से लाइफ हैक्स जानते हो? इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में कुछ शेयर करें। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? तो फिर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे।